अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने करने हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी के। मोस्टली इसमें बुक पर से ही मार्क करवाऊंगी, कोई एक दो हैं जो आप लोगों को नोट से देख के करने पड़ेंगे। पहला जी, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, एक्सप्लेन। सो वो ये 8.2 टॉपिक है, मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड में पहला है जी कार्बोहाइड्रेट्स। इसको आपने लिखना है मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तक। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रोटीन्स, व्हाट आर द मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये प्रोटीन्स वाली हेडिंग्स में इसमें डेफिनेशन भी, सोर्सेज भी और मेटाबॉलिक फंक्शन भी इसके लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला है, राइट अ नोट ऑन फैट्स। तो ये बिल्कुल उसी के नीचे जो लिपिड्स वाला टॉपिक है, इसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और इसमें भी इसकी डेफिनेशन, इसका जो कंस्ट्रक्शन समझना है, जिस जिस चीज़ों से कंपोज है ये, इसके सोर्सेज लिखने और मेटाबॉलिक फंक्शन इसका लिख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इफेक्ट्स ऑफ विटामिन ए सी और डी। तो बिल्कुल उसी के नीचे से टॉपिक 8.2.2 है विटामिन, जिसमें विटामिन ए से आपने लिखना स्टार्ट करना है, विटामिन सी या एस्क्रॉबिक एसिड ये, और विटामिन डी यहाँ तक, मिनरल से ऊपर ऊपर तक आपने सारा लिख लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द इफेक्ट्स ऑफ मिनरल, कौन सा कैल्शियम और आयरन के बारे में लिखना है। तो ये बिल्कुल उसी के नीचे से मिनरल्स वाला जो टॉपिक है, इसमें आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है मिनरल की, इधर कैल्शियम की हेडिंग है और आयरन की हेडिंग है, ये आपने फुल लिखना है इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइट्री फाइबर से ऊपर ऊपर तक। फिर है, हाउ वाटर एंड डाइट्री फाइबर प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो ये उसी के नीचे से आयरन जहाँ ख़त्म हो रहा, इसके नीचे इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइट्री फाइबर, यहाँ ये वाटर वाला सारा लिखना है। फिर ये अगला डाइट्री फाइबर है, इसको आपने बैलेंस्ड डाइट से ऊपर ऊपर तक सारे का सारा लिख लेना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्कर्वी नाइट ब्लाइंडनेस ओबेसिटी आर, स्कर्वी नाइट ब्लाइंडनेस एंड ओबेसिटी आर ड्यू टू सम डिफिशेंसी और एक्सेस, एक्सप्लेन। तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की डिफिशेंसी से, नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की डिफिशेंसी से, और ओबेसिटी होती है जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स ले लेते हो। फिर उसके बाद है, कैन यू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन योर बॉडी। तो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि वो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सारे की सारी चीज़ आपने लिखनी है। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे, 8.3 है जी डाइजेशन इन मैन, यहाँ से आप लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में है। सो आप लोग यहाँ से नहीं लिखोगे, अच्छा यहाँ से नहीं होगा, ये एलिमेंट्री कैनाल का सारा उन्होंने कहा है, तो आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे और ऊपर आप लोग ये वाला पैराग्राफ भी लिखोगे, यानी कि ये 8 का आंसर है। 1 आप सबसे पहले ये लिखोगे, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ एलिमेंट्री कैनाल से लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, अच्छा इसमें आप लोग ये जो स्वॉलोइंग वाला प्रोसेस है ये नहीं आएगा, आप लोग देख लेंगे स्वॉलोइंग वाला सारा प्रोसेस नहीं आएगा, सिर्फ फेरिंग्स और ईसोफेगस के बारे में लिखोगे, ये पेरिस्टालिसिस दरमियान में नहीं आएगा। फिर आप लोग स्टमक के बारे में सारा लिखोगे, ठीक है, डाइजेशन इन स्टमक वाले ये सारे के सारे टॉपिक आएंगे, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, दरमियान में आपने बाइल नहीं लिखना, आपने पैनक्रियाटिक जूस भी नहीं लिखना। फिर आप लोग लिखोगे डाइजेशन इन जेजनम एंड ईलियम, फिर एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन लिखोगे, उसके बाद एसिमिलेशन को निकाल दें अंदर से, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में काइसम, रेक्टम और डेफिकेशन तक आप लोगों ने सारा लिखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई और क्वेश्चन है, हम आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे ख्याल से एक और है, ये अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट सिम्टम्स कॉजेज ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स ऑफ गट। तो ये आप लोगों ने आ जाना है बिल्कुल जी, ये जो लास्ट है दैट इज़, ये डिसऑर्डर्स हैं, ये वाला जो टॉपिक है दैट इज़, में डायरिया के बारे में भी है, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी है, और इसमें नीचे आप लोगों को दिखा देती हूँ ये अल्सर वाला भी, ये सारे का सारा इसमें आना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, दैट इज़ राइट द रोल विच लिवर प्लेज इन आवर बॉडी, लिवर का क्या रोल है हमारी बॉडी में। तो ये जहाँ डिसऑर्डर्स है ना, इसके बिल्कुल ऊपर है पेज नंबर 114 पे, रोल ऑफ लिवर, ये 8 के 8 पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे आपने इसमें लिखने हैं। तो हम देख लेते हैं, वैसे इसके ये
समरी ये हम लोगों ने MCQs एक वीडियो में कर लिए थे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और हम लोगों ने सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट कर लिए हैं।